हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो एनटीपीसी का एग्जाम खत्म होते ही ग्रुप डी के बच्चों में डर का माहौल बना हुआ है। बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं कि भैया पता नहीं क्या होने वाला है, कैसा एग्जाम आएगा। तो देखो, मैं बार बार मैंने लाइव सेशन में भी बोला और मैं एक बार फिर से आप लोगों के अंदर से डर निकालने के लिए एक ही बात बोल रहा हूं, आप लेवल 6 को और उसके मेंस एग्जाम को अपने एग्जाम से कंपेयर मत करो। फुल्ली नॉन टेक्निकल एग्जाम है। नॉन टेक्निकल एग्जाम का मतलब ही होता है कि उसमें जीके का अच्छा खासा रोल रहेगा और टीसीएस ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं मेनली तो उन टॉपिक से। देखो, मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि जीके के पीछे ज्यादा नहीं पढ़ना। अगर किसी को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, आप जाइए जो स्ट्रेटजी वाली वीडियो है, एनटीपीसी की स्ट्रेटजी वाली वीडियो आप जाके देख लो, आपको पता चल जाएगा। और जो बुक मैंने बताई है या जो मैंने सोर्सेज बताए हैं वहां से जितने क्वेश्चंस फंसने थे बस वो वहीं से फंसे हैं। उसके अलावा तो सबका जीके का वही हाल है। जिन्होंने जीके में खूब हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ी है ना, उसका कुछ नहीं होना है। या तो क्वेश्चन आपके बहुत पुराने ज्ञान के आधार पे होगा, मतलब जो आपने कक्षा 2 में 4 में 5 में जो चीजें पढ़ी हैं, या तो आप उसके बेस पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, या फिर करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, या फिर साइंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। इसके अलावा आपसे बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कर पाओगे अटेम्प्ट। तो स्टैटिक जीके, करंट जीके और जो आपका पुराना ज्ञान है बस वही काम आने वाला है। जिन्होंने बहुत ज्यादा जीके पे ध्यान दिया था कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं बार बार कह रहा था जीके पे ज्यादा ध्यान ना देके आपके जो सॉलिड सब्जेक्ट है उन पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। और हुआ भी वही है, आप देख लो जाके, ऐसा कोई भी मतलब इसमें कुछ छुपा हुआ है ही नहीं। अब बात करते हैं ग्रुप डी की। तो ग्रुप डी के बहुत सारे बच्चे हैं जो लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अरे अब तो पता नहीं क्या होगा और बहुत हार्ड लेवल का पेपर आएगा। तो भैया आप बता दो कहां से क्वेश्चंस करें, मतलब प्रैक्टिस कहां से करें। फिर जो बच्चे इस तरह की बातें कर रहे हैं तो वो ये बताएं हमें कि सोर्सेस क्या हैं, मतलब कहां से पढ़ें। फिर यूपीएससी की किताबों से पढ़ना स्टार्ट करें, बताओ कहां से पढ़ना स्टार्ट करें। अरे जो आपका सिलेबस है आप वही चीजें पढ़ोगे ना, और जो होगा वो सबके साथ होगा। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार कहता आ रहा हूं, टीसीएस ने जितने क्वेश्चंस बन सकते थे वो क्वेश्चंस बना के रख दिए हैं, ग्रुप डी 2018 में आपको दे दिए हैं। उसके अलावा बहुत मुश्किल से कोई क्वेश्चन बनेगा जो आपके सामने आएगा। देखो, साइंस चेंज होनी नहीं है। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट जहां रखा है वो वहीं रहने वाला है, जो गति की समीकरण है वो की वही रहने वाली है, वो वहां कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए आप अपने 80 मार्क्स पे फोकस्ड रहना, ये मैं बार बार बोल रहा हूं। बात रही जीके की, तो उसमें वो थोड़े बहुत चेंजेस करना चाहेगा तो कर लेगा, बाकी उसमें कितने भी चेंजेस करेगा ना तब भी आप 10 नंबर की जीके 12 नंबर की जीके कैच कर लोगे स्टैटिक जीके करने से, करंट जीके करने से। और करंट जीके में भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए हैं आप लोगों को, जैसे अवार्ड्स हैं, और स्टैटिक जीके में जो चीजें करा दी उसके अलावा मैं पॉलिटी करा रहा हूं आप लोगों को, तो जो क्वेश्चंस फंसने होंगे वो वहीं से फंस जाएंगे। इसके अलावा आप इतना पढ़ लेना इतना, ठीक है, और कुछ नहीं फंसने वाला है। बाकी आपकी मर्जी है, आपका जो मन करे वो करो। मैं तो बार बार एक ही चीज कहूंगा कि जो सॉलिड सब्जेक्ट है प्लीज उनसे आप बिल्कुल भी नाइंसाफी ना करो उनके साथ, और उन सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार कर लो। इसीलिए मैंने रीजनिंग का एनालॉजी और सिमिलैरिटी चैप्टर 4-4 बार करा दिया, सारे क्वेश्चंस करा दिए। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन आए तो आप छोड़ो ना, सीरीज वाला क्वेश्चंस थे, लगातार इतने सारे क्वेश्चंस कराए सीरीज के। अब मैं रीजनिंग में मैंने आप लोगों को काउंटिंग ऑफ फिगर्स वाला चैप्टर था, इतने सारे क्वेश्चंस कराए। क्यों? कि ये जो है सॉलिड मार्क्स हैं। अगर आपने एक बार क्वेश्चन किया हुआ होगा तो आप जाके वहां पेल दोगे, क्वेश्चन को कर लोगे, लेकिन जीके में ऐसा नहीं है। तो गाइज बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, साला जो होगा वो सबके साथ होगा, आपके साथ कुछ स्पेशल नहीं होगा। और मैं एक ही चीज कह रहा हूं, जैसे एग्जाम होगा डे 1 उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेना है, और वो तभी पॉसिबल है जब आपका सिलेबस पहले से कंप्लीट हो रखा होगा। चलिए, ये सारी चीजें हो गई हैं, टारगेट्स दोबारा से रिस्टार्ट कर दिए गए हैं। मैं आपके साथ खड़ा हूं आपका हौसला देने के लिए, आपका हौसला बढ़ाने के लिए, जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं करूंगा। और विश्वास मानिए, जिस तरह से अभी आप ये एनसीईआरटी का क्लास 9th का चैप्टर आपने मोशन वाला चैप्टर पढ़ा, फिर उसके बाद आप आज बल तथा गति के नियमों वाला चैप्टर पढ़ोगे एनसीईआरटी से, यही बेस है सब कुछ। जैसे ये अब जैसे एमएलटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कई बार, फॉर्मूला से रिलेटेड कि भाई इसका फॉर्मूला क्या होगा, या फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आएगा, उससे आपको यूनिट भी पूछेगा और उससे आपको डायमेंशन फॉर्मूला भी पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। देखो सबका बेसिक है, आपने वहां पे चीजें पढ़ी कि भाई देखो चीजें चलती कैसे, जैसे एक पॉइंट है पहले, फिर उसके बाद वो चीज लेंथ बनेगी, फिर दूरी आएगी, फिर चाल आएगी, फिर त्वरण आएगा, फिर तुम परिभाषा पढ़ोगे फोर्स की,
अब देखो अभी उसमें क्या पढ़ा आपने, क्या क्या चीजें पढ़ी आपने उसमें पढ़ा, देखो टाइम के बारे में आपको पता ही है, उसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। आपने वहां पे पॉइंट तो नहीं पढ़ा, पॉइंट तो चलो ठीक है, आपने डायरेक्ट लंबाई पढ़ी कि लंबाई क्या चीज होती है, दूरी और विस्थापन में अंतर पढ़ा, वेग और चाल में अंतर पढ़ा, त्वरण पढ़ा, इतनी चीजें आपने मोशन वाले चैप्टर में कंप्लीट की। अब आप आ गए हो फोर्स वाले चैप्टर में, तो वहां पे फोर्स पढ़ोगे ठीक है, उससे आगे आप कार्य पढ़ोगे, तो ये सारे एक दूसरे से लिंकेज है। आप देखो फॉर्मूलाज भी इनके ऐसे ही बनते हैं, मैं कार्य के फॉर्मूले से पीछे को लौट के आ जाऊं चाहे यहां से चला जाऊं सेम बात है, और उसी से आपकी सारी बीमाएं बन जाती हैं। देखो जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है मान लो ठीक है। अब इसकी यूनिट बताने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, चाहे आप इसकी यूनिट में निकाल लो चाहे आप एम एल टी फॉर्मूला निकाल लो, अब देखो किसी भी चीज की है। अब इसमें निकालने के लिए आपको ए का पता होना चाहिए, ए क्या है, तो ए को लिख सकते हैं, ए बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, चलो भाई ठीक है। अब आपको इसका निकालने के लिए वेग पता होना चाहिए क्या है, तो ए बराबर वेग को, चलो ये 1/dt लिख लिया, वेग को क्या लिखोगे, ds/dt लिखोगे। अब ds का मतलब कम से कम छोटी चीज तो पता ही होनी चाहिए, ds क्या है, विस्थापन है, तो दूरी का तो पता ही होगा। अगर आपको a की भी नहीं पता था तब तो आप दूरी की तो पता होगा, और नीचे समय है तो बाकी चीजों के निकाल लिया ना। देखो ऊपर क्या आ गया, मीटर, और नीचे क्या है, यहां भी टी है, यहां भी टी है, क्या आ गया, सेकंड स्क्वायर। और अगर ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया और इसका तो पता ही है केजी, तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला निकल गया ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही आप बहुत सारे फॉर्मूलाज किसी भी चीज के निकाल सकते हो। अब मान लो मैं यहां पे कह दूं भाई आपको कार्य का फॉर्मूला पता है, w = f.ds, आप कह रहे हो मुझे भैया फॉर्मूला मतलब इसकी यूनिट निकालने के लिए पता ही नहीं है, यूनिट क्या होगी क्या नहीं होगी। तो देखो यहां से अभी एफ का क्या है, एम में है। अब ये क्वेश्चन आपसे मांग कर रहा है कि क्या भैया तुझे दूरी की यूनिट पता है, दूरी या विस्थापन की, तो तुम कह रहे हो हाँ भाई इसकी तो मुझे पता है क्या होती है, मीटर होती है। आप कह रहे हो इसकी भी पता है मुझे, केजी होती है। अगर इसकी नहीं पता है तो फिर इसे चेंज करो। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है सब एक दूसरे से लिंक करते हैं ये, और बहुत आसानी से इस टाइम पे आप कवर कर सकते हो क्योंकि अभी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ठीक है। और ये जो एम एल टी है ये भी है कि भाई मास के लिए एम से कर दिया और लेंथ के लिए एल से कर दिया, इस टाइम के लिए टी से कर दिया। अब आप किसी की भी डायमेंशन निकाल लो, देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, भाई दूरी बटे समय होता है, तो दूरी की जगह क्या लिख सकते हैं, दूरी क्या है, एक तरीके की लंबाई तो है भाई, यहां से वहां तक गए तो दूरी, भाई लंबाई का मात्रक भी मीटर है, दूरी का मात्रक मीटर है, तो दूरी का ये हो गया मीटर पर सेकंड, ये तो इसकी होगी यूनिट। अब मैं कह रहा हूं इसका फॉर्मूला निकालो, डायमेंशन फॉर्मूला, तो एम की जगह क्या हो गया, डिस्टेंस की जगह क्या रखोगे, एल, और इसकी जगह लिखोगे टी। अब ये जो टी है ये ऊपर चला जाएगा तो क्या फॉर्मूला बन गया, एल टी की पावर माइनस वन, ये वाली चीज आपकी फॉर्मूला बन गई। अब मैं आपसे कहूं कि स्पीड की जगह चलो त्वरण की बता दो, त्वरण क्या होता है, तो त्वरण बराबर क्या होता है भाई, डीवी अपॉन डीटी तो होता है भाई, वेग में परिवर्तन की दर को ही तो त्वरण कहते हैं, समय के साथ वेग में, देखो त्वरण क्या, एक्सेलरेट करना, आपने सुना ना एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर क्या होता है कि समय के साथ कितनी तेज गाड़ी भाग रही है आगे, उसे कहते हैं आप जो एक्सेलेरेटर दबाते हो उससे क्या होता है, यही तो चीज है वो। देखो टाइम की रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में वही तो करते हो आप, जो आप देखते हो ना कितने kmph स्पीड हो गई है किलोमीटर पर आर के हिसाब से तो देखते हो, तो ये जो है टाइम के रिस्पेक्ट में कितना हुआ। अब आप बताओ आपने डीवी की मतलब वेग की यूनिट तो अभी पढ़ी है, एलटी की माइनस वन, और इसकी यूनिट क्या है टी, तो ये वाले टी ऊपर चला जाएगा फिर क्या हो जाएगा, एलटी की माइनस टू, तो त्वरण की बन गई। और अगर ये त्वरण की बन गई तो एफ बराबर, एफ की यूनिट निकालनी है तो एफ बराबर एम में होता है भाई, ए की यूनिट आपको भाई, एम की यूनिट क्या है एम, ठीक है ये क्या है केजी है ना, तो इसकी जगह एम लिख रखा है, मास है ये, मास है, और ए की जगह आ गई एलटी की माइनस टू, तो इसकी यूनिट निकल गई एमएलटी की माइनस टू। ऐसे ही आप कार्य के निकाल लोगे, आप कार्य डब्ल्यू बराबर क्या होता है, यहां लिख के दिखाऊं, यहां नहीं आ रहा होगा, यहां नहीं आ रहा है क्या, अब देखो यहां निकाल के दिखाता हूं, लो कार्य के निकाल लो, कार्य W बराबर क्या होगा, F डॉट ds हो गया, अभी F के निकाली है एम एल टी माइनस टू, क्यों, क्योंकि M क्या है, देखो F बराबर क्या होता है MA, अभी A की निकाली थी LT की माइनस टू, तो ये है A की यूनिट है, वो यूनिट क्या मतलब डायमेंशन है, और M की जगह M है, और ds की जगह क्या लिख लोगे, L लिख लोगे, तो क्या आ गई एम एल टू टी माइनस टू। इस तरीके से आप सारी चीजें निकाल सकते हो, और आप समझ के करोगे ना तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब मैं आप लोगों से बता दूं, ये जो यूनिट निकल कर कार्य की, कार्य का मात्रक भी जूल होता है, जितनी भी एनर्जी होती है चाहे वो गतिज ऊर्जा है, स्थितिक ऊर्जा है, कोई भी ऊर्जा है, उसकी मात्रक आपको पता है जूल होता है। अगर जूल होता है तो कार्य का मात्रक भी जूल होता है, तो इनकी डायमेंशन सबकी सेम होंगी, जितनी भी ऊर्जाएं होंगी उनकी सबकी डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। तो इस तरीके से आप फॉर्मूलाज निकाल सकते हो बड़ी आसानी से, और उसी के साथ क्या निकाल सकते हो आप, डायमेंशंस निकाल सकते हो, ये मैं आप लोगों को बता दूंगा और आप बड़ी ही आसानी से वो चीज़ें कर लोगे। चलिए ठीक है, इसके लिए मैं लेक्चर लूंगा, एक बार एक लेक्चर में आप लोगों का लूंगा, बहुत सारे बच्चों का डाउट है इसमें,
कि किस तरीके से फॉर्मूलाज बनते हैं, और फिर अगर आपको फॉर्मूला बनाने आ गए ना, तो ना तो आप न्यूमेरिकल छोड़ने वाले हो ना, क्योंकि फॉर्मूले से रिलेटेड आप लोगों को पता है कि भाई यूनिट भी पूछेगा वो, डायमेंशन भी पूछेगा वो, और फॉर्मूला पे बेस न्यूमेरिकल भी पूछेगा, तो आपके बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इन फॉर्मूलाज को समझना ही सब कुछ है। अगर आपने फॉर्मूला समझ लिया आप सब कुछ कर लोगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हो जाती हैं। और चलिए यहाँ पे बात करते हैं स्टैटिक जी के। देखो अब टारगेट क्या है, बहुत लंबा हो गया लेक्चर, टारगेट्स मैंने दोबारा से स्टार्ट किए हैं, बस आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग सपोर्ट बना के रखिएगा, बाकी चीज़ें आप लोगों के साथ रहेंगी। और मैं आप लोगों को अभी क्या है, बहुत सारा सिलेबस लगभग कवर हो गया है, कुछ चैप्टर्स बचे हैं रीजनिंग में भी जिनके लेक्चर्स जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर लेक्चर्स नहीं जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उनके लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊँ, लेकिन टाइमिंग की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। बस अब देखें टाइम क्या है, कैसे निकलता है टाइम, निकालेंगे तो जरूरी, क्योंकि सिलेबस तो कंप्लीट कराना ही है, और एक बार सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद फिर हम बूस्टर लेके आएंगे 30-35 दिनों का, और उसमें आप लोगों का रिवीजन भी चलेगा और कुछ आप लोगों को टिप्स भी दी जाएंगी। चलिए यहाँ देखिए, ये आप लोगों को मैंने पिछली बार भी दिया था टारगेट में कि भैया आप लोग नदियों के किनारे जितने भी बसे हुए प्रमुख नगर हैं वो कर लो, जो आपने नहीं किए हैं तो ये वाला टॉपिक आप लोगों को करना है। सौर मंडल हम लोग करेंगे, सौर मंडल से रिलेटेड बेसिक, बस आप बेसिक करिए, आपका जो एग्जाम है चाहे वो यूपी पुलिस का एग्जाम हो चाहे वो लेखपाल का एग्जाम हो, इन एग्जामों में बेसिक चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। और जो फालतू की चीज़ें पूछी जाएंगी वो किसी से नहीं होंगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। फिर तो हमारा सौर मंडल हो गया भारत के शहरों, और जिसे ज़्यादा करना है उसे रोक टोक थोड़ी है भाई, इतना करने के बाद जितना मन करता करो, अगर किसी की कैपेबिलिटी है तो मैंने मना थोड़ी किया, जितना कर सकते हो उतना करो, किसी पे मनाही थोड़ी है। तो गाइज ये नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर करने हैं, ये मैंने इसलिए दिया है कि आपका रिविजन भी होगा और आप जिसने नहीं किया ये वाली चीज़ जरूर करोगे। हमारा सौर मंडल वाला चैप्टर है जो मैं, ये सारा का सारा जो मटेरियल है आप लोगों का टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो ये वाली चीज करेंगे। भारत के शहरों में राज्यों के प्रमुख नाम और उपनाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, ठीक है, ये यहां से तो बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। जैसे कि कानपुर को क्या कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आप आंसर देना, उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो शायद कानपुर को कहते हैं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं और आपसे पूछे जाते हैं, तो ये वाले क्वेश्चन जरूर करेंगे। T20 वर्ल्ड कप ये मैं इसलिए करा रहा हूँ कि बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, कोई भी एग्जाम देंगे तो वो वनडे एग्जाम, ठीक है, चाहे वो एस्टेट दे देना, अपना सुपर टेट दे देना, जाके सब स्टैटिक जीके ही मिलेगा। T20 वर्ल्ड कप और 12वां वर्ल्ड कप 2019, ये 2019 का भी इसलिए दिया है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आप NTPC में भी देख ही रहे होंगे, ये चीज़ें आती हैं, ये मैंने पिछले टारगेट में भी दिया था, NTPC के एग्जाम होने से पहले जो टारगेट दिया था तब भी दिया था, तो इस चीज़ को आप घबराओ मत, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं 2021 की, 22 की, 20 की, 19 की, वो सारी की चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो आपका पेपर फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। साइंस में अगर मैं बात करूं तो बायो का पेज नंबर 4 हम लोग करेंगे, क्लास 9th की जो NCERT है उसका चैप्टर नंबर 9, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब देखो फोर्स, और अगर किसी बेवकूफ बच्चे को समझाना हो कि फोर्स क्या है कैसे समझाओगे, नीचे कमेंट करके बताना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं भी समझाऊंगा। फोर्स और कार्य वगैरह की जो चीजें हैं वो इसमें आएंगी सब, लॉज ऑफ मोशन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो इन्हें जरूर से जरूर आप लोग करेंगे। जड़त्व का नियम किसे कहते हैं ये भी आप लोग कमेंट करके बताएं कि जड़त्व का नियम किसे कहते हैं, ये बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया हुआ है। NCERT को करने के लिए जो चैप्टर नंबर 9 है आप लोगों का, इसे करने के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं संवेग से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें, इनकी यूनिट्स, इनके फॉर्मूलाज, सब चीज़ों पे फॉर्मूला पूछेगा, मतलब सब चीज़ों पे क्वेश्चंस पूछेगा वो लगातार, तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इस चीज़ को हेल्प लेने के लिए आप किसी की भी, आप सिर्फ चैप्टर का नाम लिखिए, आप डालेंगे तो बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगे, किसी की भी आधे घंटे की वीडियो देखिए और फिर NCERT पढ़िए, आप बड़ी ही आसानी से क्वेश्चंस को निपटा लोगे। बाकी मेरा सजेशन जो रहेगा वो मैं दूंगा, और जितना मुझसे हो पाएगा इसके जो क्वेश्चंस हैं वो कराने की मैं कोशिश करूंगा। बस आप लोग ज़्यादा कंटेंट के पीछे मत पड़ना कि भैया कैसा आ रहा है कैसा दिख रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी करा दूंगा अगर आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करो तो। मैं चैनल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे जिससे कि आप लोगों को कंटेंट दिया जा सके। बस आप कंटेंट पे फोकस करना, उस चीज़ पे फोकस मत करना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको दिखेगा साफ, ठीक है। ये आप लोगों का रहा, और इसके अलावा PYQ ऑफ मोशन चैप्टर आप लोगों को करना है। मैथ्स में आपका टाइम एंड डिस्टेंस के PYQ करने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, मैथ्स में सिर्फ PYQ करने हैं आपके टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर के।
और रीजनिंग में अगर मैं बात करूँ तो रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपने ग्रुप डी में जो सीटिंग अरेंजमेंट पूछे जाएंगे, आप विश्वास मानना बहुत हाई लेवल के नहीं पूछे जाएंगे, बहुत छोटे छोटे पूछे जाएंगे। 5 लोगों को बैठाएगा 6 लोगों को बैठाएगा और बड़ी आसानी से वो बन जाएगा, ठीक है। जो एनटीपीसी में है उसमें अच्छे लेवल के पूछे गए हैं और पूछे ही जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने यहाँ ज़्यादा बड़ा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो और एनालॉजी और सिमिलैरिटी के पीवाईक्यू करने हैं जो 2018 में आए थे, ठीक है, बस इतना ही करना है। और बार बार कह रहा हूँ पीवाईक्यू को इग्नोर नहीं करना है। और जो बच्चे ये कह रहे हैं ना कि बहुत डिफिकल्ट पेपर आने वाला है, तो भाई आप बताओ कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग भी अपने बच्चों को सजेस्ट करेंगे बहुत अच्छे से, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट और क्या आ जाएगा जो आप कर रहे हो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है यार। आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये तो बता दो मुझे। चलो फिर ठीक है, अगर इतना एफर्ट है, मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, अगर बच्चे के अंदर इतना ही दम है तो साला ये नौकरी के लिए थोड़ी पीछे पड़ेंगे, फिर कुछ अच्छा नहीं कर लेंगे हम। चलो फिर ठीक है, जो भी है, लेकिन बस जितना मैं गाइड कर सकता हूँ वो मैं आपके सामने हूँ और गाइड कर रहा हूँ। जो बुक्स हैं बड़ी बड़ी, मैंने आप लोगों को बताया उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कंटेंट है, 11th 12th का कंटेंट दिया हुआ है, तो वो कंटेंट आपके मतलब का नहीं है, ठीक है, वो कंटेंट आपके मतलब का नहीं है। वैसे तो मैं सच बताऊं तो ये MLT वाली चीज़ भी बहुत ही रेयर केस में पूछेगा, अदरवाइज फॉर्मूलाज ही पूछता है, लेकिन ये फिर भी बहुत मिलता जुलता टॉपिक है, सिंपल है, इसलिए पूछ लेता है। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। और जो लोग टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, भैया टेस्ट तो लगाने ही पड़ेंगे, चाहे जिसका मन करे उसके लगाओ, लेकिन टेस्ट लगाने कंपलसरी है, ठीक है। चलिए टेक केयर।